Hello students, good morning. Today we will talk about number system class 9th exercise 1.2 introduction as well as solution. क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या. बच्चों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. नॉट इज इक्वल टू p अपॉन q उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं. अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार की होती हैं जैसे देखिए आ गया हमारा 1.2, 1, 3, 4, 5, 4, 5, फिर 1, 6 ऐसे. ये नॉन टर्मिनेटिंग है. क्या नॉन टर्मिनेटिंग है? अशांत संख्याएं हैं. और किस तरह की आती हैं वो देखिए. ये तो हो गई कौन सी और ये कौन सी है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग. रिपीट भी नहीं हो रहा. जैसे देख लो 1.001, 0012, 0013 ऐसी संख्याएं जो होती हैं तो हमारी अपरिमेय संख्याएं किस जो होती हैं वो क्या होती हैं. अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं होती. और नॉन रिपीटिंग. क्या नॉन रिपीटिंग और ना ही वो कभी रिपीट होती हैं. अगर रिपीट होती है तो फिर उन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे. p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते थे. जैसे देख लो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स बच्चों जो खत्म ना हो चलता ही रहे प्रोसेस और रिपीट भी ना हो. ऐसी संख्याएं क्या होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं. जैसे रूट टू क्या है अपरिमेय है. रूट थ्री क्या है अपरिमेय है. रूट फाइव क्या है अपरिमेय है. रूट सिक्स क्या है अपरिमेय है. उसी तरह कोई भी रूट एन के फॉर्म में हो वो अपरिमेय संख्या होती है. जहां जहां m एक प्राकृत संख्या है. यहां m एक प्राकृत संख्या है किंतु किंतु m पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए. वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. जैसे m की वैल्यू अगर 4 आ गई रूट 4 तो रूट 4 का रूट क्या होता है 2 होता है. इसलिए 2 क्या है ये परिमेय है. ये क्या है परिमेय है. इसीलिए कहा गया कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए. m प्राकृतिक संख्या जरूर है. प्राकृत नेचुरल नंबर जरूर है और नेचुरल नंबर और ऐसे होने चाहिए जिनका पूर्ण वर्ग ना हो. वही अपरिमेय संख्या होती है. ये याद रखिए बच्चों. जैसे रूट 9 ये भी क्या है परिमेय है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है. 9 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3. तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो सारी संख्याएं क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती है. जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6. अब रूट 1 अगर आ जाए तो रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1. इसलिए इसका पूर्ण वर्ग 1 हो गया. ये परिमेय संख्या
है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबरों को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मींस क्या होता है, जो खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग जिनका कोई पैटर्न ना बने या रिपीट ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये एग्जाम्पल आपको बता दिया, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, किंतु एम एक क्या पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये इसकी पहचान है कोई भी नंबर हो। अब ये इसमें क्या आ जाता है, पाई भी। पाई भी क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये भी क्या है? अपरिमेय है। इसे परिमेय पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन ये पाई की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू है इसकी, अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है? अप्रॉक्स। इसलिए ये 22/7 ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ये अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है परिमेय संख्या। अब हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, आओ देखते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। रफ करते हैं, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। कैसे निरूपित करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करना या स्थान दिखाना कैसे करते हैं? कोई भी परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो कैसे करते हैं देखिए। जैसे √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे देखो। ये हमारी नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक है, और -1, -2, -1, -2। अब इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करते हैं। 1 यूनिट यहां से ले लेते हैं, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट। अब 1 पे परपेंडिकुलर डालिए, 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर तो डालना आता ही होगा। सीधा एक लाइन 90 डिग्री बनाती हुई यहाँ एंगल बनाइए, और 1 सेंटीमीटर इसको भी मार्क करिए, 1 यूनिट। ये क्या थी हमारी? 1 यूनिट। अब ये पॉइंट क्या है हमारा? ओ। इसको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ये 1। अब ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल है। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा क्या होती पाइथागोरस थ्योरम,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यहां पहले परपेंडिकुलर लिख लो फिर बेस, कोई भी इधर उधर लिख सकते हो उससे कोई फर्क नहीं है। लंब लिखने जा रहे थे इसको परपेंडिकुलर कर दिया, प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा जब लंब हमारा एक है और आधार एक है तो ये क्या होगा, वन प्लस वन क्या आ गया दो, तो ये कर्ण हमारा क्या था दो, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा रूट टू। अब रूट टू ये हमारा क्या आ गया ओ ए, हमारी क्या है रूट टू। अब ओ ए को माप कर एक आर्क खींच देंगे, यहां ऐसे आर्क खींच देंगे, अपनी कंपास रखिए यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, तो कुछ जैसे कोई रेडियस है ये मान लो रेडियस, अब इससे कोई आर्क खींचोगे तो जितना ये हो जितनी ये होगी वही ये आएगी, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है, चाहे ऐसे आए तो रेडियस सर्कल की इक्वल होती है, तो रूट टू ये है। जब इसको यहां से मेजर करके आर्क खींचोगे तो ऐसे यहां आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी पूरी रूट टू होगी, रूट टू यहां पर आ जाएगा। तो रूट टू को हम इस प्रकार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर हो उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे रूट एम का फॉर्म हो उसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एम क्या है, एम एक प्राकृतिक संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए एम, उसके यहां रूट एम को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले हमें रूट एम माइनस वन ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अगर एम माइनस वन को पहले हम लोकेट करेंगे, क्या करेंगे एम माइनस वन को, जैसे एम की वैल्यू यहां दो थी तो एम माइनस वन क्या हो गया था हमारा टू माइनस वन, क्या आया था रूट वन, वन का वन, इसलिए बेस हमने वन किया था। अब अगर रूट हम थ्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, हमें पहले एम माइनस वन चाहिए, एम की वैल्यू थ्री है तो रूट टू क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, तो क्या आ जाएगा रूट टू। तो सबसे पहले रूट टू को हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, तो इसलिए हमें m की m को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें m माइनस वन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो पहले हमें m माइनस वन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद तब आगे करेंगे। जैसे देखिए अब इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लेना, देखिए m माइनस वन, अब देखो रूट थ्री को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा यहां तक था रूट टू, रूट थ्री एम माइनस वन निकालो क्या है रूट टू, यहां तक हमारा क्या था रूट टू, ये नंबर लाइन पे यहां रहा। अब यहां पर एक सेंटीमीटर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, अब उसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ये हमारा ए और ये बी, ये हमारा परपेंडिकुलर वन है ये रूट टू, तो दोनों का स्क्वायर जब हम कर्ण निकालेंगे तो क्या होता है आधार का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री, तो जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा इधर रूट थ्री, ये जो साइड होगी हमारी क्या आ जाएगी रूट थ्री आ जाएगी।
आप इसी आर्क को हम मेजर कर लेंगे ऐसे और यू आर्क खींच देंगे, ऐसे आर्क खींचेंगे ऐसे, जहां पर आएगा वो रूट थ्री होगा। तो इस तरह हम बच्चों रूट थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो रहा रूट टू रूट थ्री कोई भी नंबर हो, अब रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है। इसको रफ करते हैं, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। अब रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एम माइनस वन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या है हमारी? 5 है, तो m माइनस वन क्या हो जाएगा? 5 माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट फोर। रूट फोर का क्या होता है? 2। तो अब नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या करेंगे? 1, 2, 3, -1, -2। अब हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 हमारा कहाँ है? यहां तक। तो ये हमारा 2 हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है हमारी? 2 यूनिट। आप परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर एक ही होगी, ये एक हो गई। अब इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ऐसे ज्वाइन किया। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ऐसे हमने मिला दिया। तो इसका नाम दे दिया ए, इसका बी और इसका ओ, ओ ए बी। अब हमारी हाइपोटेनस क्या आएगी? रूट टू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? रूट 5 आ जाएगा। अब ये आर मेजर करके कंपास अपना ऐसे रख के घुमा दो, ये जहां आएगा ये इस पॉइंट पर रूट 5 होगा। इस तरह से बच्चों हम नंबर लाइन पर कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अपरिमेय संख्या को इस प्रकार से निरूपित करोगे। अब आइए एक्सरसाइज देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नीचे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताना है, ट्रू या फॉल्स, और कारण भी देना है उसका, रीजन भी। कहा जा रहा है प्रत्येक, फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक, ये बच्चों वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या होती है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बच्चों क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं क्या होती हैं? जितनी भी परिमेय होंगी, जितनी भी अपरिमेय, वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय को वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सारी परिमेय संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या है? सब वास्तविक हैं, क्योंकि वास्तविक का ही प्रकार होता है। किंतु सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। अगर ये यहां होता, ये यहां, तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या है हमारा? सत्य है। रीजन क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं को
संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है हमारा बच्चों? कहा जा रहा है प्रत्येक रेखा प्रत्येक बिंदु पर क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। अब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। आप प्राकृतिक संख्या में तो बच्चों सभी आ जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह एंड सो ऑन। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। कहा जा रहा है रूट एम के रूप का होता है। तो जैसे अब आ गया रूट वन का क्या है? 1। ये परिमेय हो गई। रूट टू ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ये क्या हमारी थी? परिमेय थी। अगर आ जाए रूट फोर तो टू टू क्या है? परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय नहीं, रूट एम के रूप का नहीं होती है परिमेय संख्या, इसलिए इसे हम असत्य कहेंगे। क्या है स्टेटमेंट हमारा? असत्य, सत्य नहीं है। लिखेंगे क्योंकि रूट फोर का टू और रूट नाइन का थ्री ये परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अतः रूट एम के रूप सभी क्या था? सभी रूप नहीं हो सकते। ये सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। अब है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जस्ट उसका अपोजिट। क्या है थर्ड पार्ट? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या? अपरिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, क्या है? असत्य। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? असत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम अब असत्य हो जाएगा रूट टू। लेकिन अब अगर निगेटिव में आ गया, यहां लिख देंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं संख्याएं
क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है नहीं। उत्तर क्या होगा, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, जैसे रूट फोर इक्वल टू टू और रूट नाइन या रूट नाइन इज इक्वल टू थ्री, टू और थ्री परिमेय संख्याएं हैं किंतु वास्तविक संख्याएं, किंतु वास्तविक संख्याएं भी हैं, वास्तविक संख्याएं भी हैं परंतु अपरिमेय संख्या नहीं होती है। जो हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं तो सभी वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यही रीजन लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, क्या सभी धनात्मक, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर टू कहा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, सभी नहीं होता है, जैसे रूट वन, रूट वन क्या है, एक परिमेय संख्या है, रूट फोर क्या है, दो, ये परिमेय संख्या है, रूट नाइन क्या है हमारा, तीन, ये हमारे परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, कौन से है, रेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, रूट फाइव को हमें क्या करना, दिखाइए संख्या रेखा पर रूट फाइव को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, दिखाइए संख्या रेखा पर रूट फाइव, रूट फाइव किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, रूट फाइव को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, क्या है हमारा रूट फाइव। अभी हमने बच्चों बताया था रूट एम का फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले उस m माइनस वन का फॉर्म रिप्रेजेंट करना होगा, m माइनस वन के रूट में लाना होगा, तो क्या होगा रूट फाइव माइनस वन क्या होगा रूट फोर, रूट फोर का क्या होता है वर्गमूल दो, तो पहले हम संख्या रेखा पर दो को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये हमारी एक
रेखा है जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू। तो सबसे पहले हमें रूट फाइव रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या चाहिए, रूट टू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, रूट टू है, यहां तक दो यूनिट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी क्या है, दो। तो दो को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे अब वन पे वन यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे इसे, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या था, ओ ए पी। अब ओ ए रेडियस माप के एक आर्क खींच दो, कंपास यहां से यहां रखो, ऐसे घुमा दो, ऐसे जो यहां पर ऐसे आएगा जिस पॉइंट पर, वो हमारा क्या होगा, रूट फाइव होगा। ठीक, इस प्रकार से हम रूट फाइव को नंबर लाइन, ये हमारा वन था तो ये हमारा क्या आ जाएगी, रूट फाइव। अब रूट फाइव ये रेडियस लेके सर्कल ड्रा करोगे तो जहां भी आर्क कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट फाइव ही होगा। इसको थोड़ा हाईलाइट बनाइएगा, अच्छा लगे, ये रूट फाइव होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमारी क्या कहती है, ओ ए स्क्वायर, यहां लिख लो त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा लंब क्या है, वन, आधार क्या है, दो, ये लंब ये आधार, वन का स्क्वायर वन और दो का चार, ये क्या आ गया पांच। इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, कर्ण हमारा रूट फाइव हो जाएगा। इस प्रकार रूट फाइव ये हमारी लेंथ हो गई, इसको मेजर करके आर खींच देंगे, रूट फाइव रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई भी बच्चों अगर रूट एम के फॉर्म का है नंबर, तो सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रूट एम माइनस वन को, कोई भी नंबर हो उसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नोट इट डाउन।